मेहर में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पेट्रोल डीजल और गैस के लगातार बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में युवा कांग्रेस ने मैहर के घंटाघर चौराहे में पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस, सेवा दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने बताया कि भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि हो रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है और आम लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, लगातार किसान किसान सही लोग हैं। उस कानून की वजह से जो ऐसा कानून है जिससे किसान गुलाम हो जाए, नौजवान गुलाम हो और हिंदुस्तान गुलाम हो, आपके सामने है, पूरे प्रदेश पूरे देश के सामने है। जब 60-65 रुपये पेट्रोल था तभी सीना पीट पीट के इतना ज़्यादा विरोध कर रहे थे जैसे कि न मालूम क्या हो गया। 100 के पार पेट्रोल हो गया, जहाँ 350-400 गैस हुआ करती थी आज 800 के पार चली गई। अब इससे ज़्यादा जेब में डाका डालने का काम कर रही है सरकार। इसके कम तो कुछ नहीं होगी जब तक मोदी सरकार या पर्सन नहीं। मेरा एक सलाह है मोदी और शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे ये जेब में मिर्ची रख के और जनता के हाथ में थोक कर सीधे गर्दन काटने का काम क्यों नहीं करते। जब उनको इसी तरह रोज महंगाई बढ़ाना है, रोज आम जनता परेशान है, प्रताड़ित है, किसानों के ऊपर इस तरह नंगा करके पीठ में लात और छाती पे गोली मारने का काम इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ किया। मेरा स्पष्ट मांग है, हम सब युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी आज जिले की घंटाघर में आज विरोध प्रदर्शन करके हम सब स्पष्ट मांग कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।